नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक विद पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung Galaxy S9 के कुछ स्पेशल फीचर्स, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशंस, क्या है बॉक्स कंटेंट। क्योंकि इस फोन को मैं पिछले एक महीने से यूज कर रहा हूं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच मैं ये वीडियो शेयर करूं कि इसके क्या है स्पेशल फीचर्स, क्या आपको फोन ये लेना चाहिए 2020 में या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये Samsung Galaxy S9 का एक स्पेशल बॉक्स है, जो कि ब्रांड न्यू बॉक्स है Samsung की तरफ से, आती है इस पैक के साथ। तो आप ये बॉक्स पूरी ब्लैक कलर की है और बीच में आपको S9 का एक ब्लू वाला पल्स दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। तो ये बॉक्स मुझे Samsung की जो ऑफिशियल वेबसाइट है Samsung.com, मैंने वहां से इसे परचेस किया था। तो वो वहां से मुझे ये डिवाइस, मतलब इसके ऊपर एक पैकेज थी Samsung.com की, और वहां से मुझे ये मिली थी। तो फोन में आपको इस साइड इस फोन की प्राइस क्या है, फोन की क्या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब लिखी हुई है, और लेट कंटेंट्स क्या है, मतलब फोन में आपको कौन कौन सी डिवाइस मिलती है, इक्विपमेंट्स मिलती है, मैं मेंशन किया हुआ है। जैसे फोन में डिवाइस बॉक्स में आपको एक मोबाइल फोन मिलेगा, एक एडेप्टिव चार्जर मिलेगा, और इलेक्शन पिन मिलेगा, और हेडसेट मिलेगा, और एक USB कनेक्टर मिलता है, और एक डेटा केबल मिलता है, और एक केस मिलता है फोन के साथ लगाने के लिए, और इसके कुछ यूजर मैनुअल मिलते हैं। फोन का ये बॉक्स इस टाइप का कुछ है, और इसके पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं फोन के, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले ऊपर Samsung Galaxy S9 की ब्रांडिंग की हुई है, और यहाँ पर इसकी साइज लिखी हुई है, जो कि है 14.65 सेंटीमीटर फुल रेक्टेंगल। इसकी जो इंचेस में है वो है 5.8 इंचेस की फोन है। ये बहुत ही एक कॉम्पैक्ट वाली फोन है, मतलब बहुत ही स्मॉल फोन है, जो कि आपको बहुत ही हैंडी फील होगा, क्योंकि आपके हैंड में बहुत ही अच्छे से फिक्स होगा। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 14.33 सेंटीमीटर राउंडेड कॉर्नर। फोन की जो स्किल है वो राउंड की हुई है चारों साइड से, इधर से भी राउंड है, मतलब फोन ऐसी आपकी है तो इस साइड से राउंड, इस तरह से इधर से भी राउंड है, हर चारों साइड से आपकी राउंड डिस्प्ले है। और फिर लिखा हुआ है, जो कि आपका क्वाड HD+ डिस्प्ले है, और साथ में सुपर एमोलेड है। फिर हम बात करते हैं सुपर स्पीड डुअल पिक्सल 12 मेगापिक्सल OIS f1.52 f2.4। आपकी जो रियर कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल की है, OIS की हुई है, और ये एक वेरिएबल अपर्चर वाली कैमरा है, जो कि आप 1.5 से 2.4 तक इसे वेरी कर सकते हो। वो ऑटोमेटिक वेरी होगा जैसे आपका लाइट कंडीशन होगा, चाहे आप जैसे आप रात को फोटो ले रहे हो तो उससे कुछ अलग अपर्चर हो जाएगा खुद ब खुद, आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप ब्राइट में फोटो ले रहे हो, दिल को फोटो ले रहे हो, तो वो अपर्चर खुद ना खुद चेंज हो जाएगी। फिर तो आता है सुपर स्लो मोशन। तो फोन में आपको बहुत एक सुपर स्लो मोशन मिलती है, जो कि 960 FPS से चलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर स्लो मोशन होगा। आज के जो फोन आ रहे हैं, चाहे वो रियलमी के हो, रेडमी के हो, ये 960 FPS नहीं दे रही है। तो फोन में आपको सुपर स्लो मोशन का एक फीचर मिलता है, और साथ में आपको एक 8 मेगापिक्सल का AF सेल्फी कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरा में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और आपको एक स्टूडियो स्पीकर ट्यून बाय AKG। आपको जो स्पीकर्स मिलते हैं फोन में वो AKG के द्वारा ट्यून किया गया है, मतलब कि वो AKG का ब्रांडिंग वाला बहुत ही एक AKG जो है बहुत ही एक अच्छा हेडसेट वाला डिवाइस, एक कंपनी है जो कि ईयरफोन और स्पीकर्स को मॉडिफाई करता है। फिर बात करते हैं, फोन में आपको IP68 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि फोन में अगर आप फोन को 30 मिनट तक अगर आप बारिश में बात कर रहे हो, या फिर गलती से फोन में गिर गया बाल्टी में, या फिर जो पानी से भरी हुई कोई भी चीज है, तो आपके फोन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर बात करते हैं, फोन में आपको आयरिस स्कैनर मिल जाएगा, मतलब कि आप जो आंखों से फोन को अनलॉक कर सकते हैं, आपकी जो आंख है वो अगर आप देखते हैं फोन को अपनी तरफ, तो आपकी फोन खुद ना खुद अनलॉक हो जाएगी। और ये फोन जो है मैंने 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ लिया हुआ है, तो आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है 64GB रैम रोम और 4GB रैम, और आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन आपको चार्जिंग पैड जो होता है वायरलेस चार्जिंग करने के लिए, उसको आपको खुद से खरीदना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं ईयरफोन ट्यून बाय AKG, और बॉक्स में आपको
एक एकेजी की तरफ से ईयरफोन मिलता है जो कि बहुत ही एक अच्छा हेडसेट है। तो दोस्तों ये थे फोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस जो कि आपको बॉक्स के पीछे मेंशन की हुई है, और आपको ये सिक्योर्ड बाय नॉक्स, आपको ये नॉक्स सिक्योरिटी मिलती है जो कि सिक्योरिटी बहुत ही एक अच्छी लेवल की सिक्योरिटी है। जिस टाइप की आईफोन में आपको सिक्योरिटी मिलती है उस टाइप की मान सकते हैं आप नॉक्स सिक्योरिटी है। और लास्ट में आपको यहाँ पे एक मैंने मिड लाइट ब्लैक फ्रेम फोन लिया हुआ है। तो ये थे कुछ बॉक्स पे दिए हुए स्पेसिफिकेशंस, और अब मैं बॉक्स को खोलता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ये बॉक्स है मेरे पास, और मैं यहाँ से इसे खोल सकता हूँ। ये कहाँ गया, हाँ तो आप देख रहे होंगे कि फोन में ऐसे आप निकाल सकते हैं इसको ऐसे बाहर, इसकी बॉक्स के अंदर ये बॉक्स और बॉक्स है इस टाइप से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सैमसंग की ब्रांडिंग लिखी हुई है ज़्यादा, है ना। और ये है बॉक्स आपकी, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन मतलब की जो कंपनी की तरफ से जो कलर होती है जो उसकी वो होती है वो दी हुई है, और यहाँ पे आपको BIS.com मतलब कि जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हुई तो वो लिखी हुई है। तो ये ऐसे कुछ बॉक्स, यहाँ लिखा हुआ है इंडियन सिम कार्ड ओनली। फिर जब मैं बॉक्स को खोलता हूँ तो ये बॉक्स कुछ इस तरह खुलती है, ये बॉक्स है आपकी, है ना, आप इसे ऐसे खोल सकते हो साइड से और ये बॉक्स ऐसे खुलती है। तो यहाँ पर खोलने के बाद आपको ब्रांडिंग मिलता है सैमसंग गैलेक्सी S9 का, आप देख पा रहे होंगे इस जगह, है ना, ये बॉक्स। और बॉक्स खुलने के बाद आपको एक बार और यहाँ से एक कॉन्टेंट का डिब्बा मिलता है इस टाइप का, ये रहा, है ना, आप देख पा रहे होंगे ये बॉक्स है। और आप सोच रहे हैं कि फ़ोन कहाँ है, तो मेरे पास जो पिछला फ़ोन था वो था गैलेक्सी J2 Pro, तो मैंने S9 से ही रिकॉर्डिंग किया हुआ है, जो आप देख पा रहे होंगे रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ वो S9 से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये है बॉक्स के कुछ स्पेशल फीचर्स, और इसमें आपको फोन का एक केस मिलता है जो कि बहुत ही एक अच्छा केस है, मैं उसे यूज कर रहा हूँ अभी। और साथ में आपको एक सिम इजेक्शन टूल मिलता है, सीधा अपने फोन को फोन में सिम कार्ड निकाल सकते हो और डाल सकते हो। जो ये रहा आपका सिम इजेक्टर, और फिर इस टाइप का कुछ बॉक्स मिलता है। फिर आपको उसके बाद आपको ये AKG की तरफ से ये हेडसेट मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी हेडसेट है, मैंने इसे सुना है बहुत ही एक अच्छा फीलिंग आती है, बहुत ही एक अच्छा डॉल्बी एटमॉस का इसमें फीचर दिया हुआ है फोन में। और ये आपकी है USB कनेक्टर जिससे कि आप अपने कोई भी पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो अपने फोन से डायरेक्टली, आपको कोई भी अलग से डेटा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों ये थे बॉक्स कंटेंट, और साथ में आपको 15 वाट का इलेक्ट्रिक फास्ट चार्जर देखने को मिलता है जो कि मेरे पास, मैं इसे यूज कर रहा हूँ। तो ये रहा आपके पास एक इलेक्ट्रिक फास्ट चार्जर सैमसंग की तरफ से जो कि बहुत ही फास्ट चार्जिंग होता है, मतलब कि आपको लगभग 1 घंटे 20 मिनट तक में फुल चार्ज फुल हो जाती है। दोस्तों ये थे कुछ बॉक्स कंटेंट जो कि आपको मैं शेयर करना चाहता था, क्योंकि मैंने इस फोन को पिछले एक महीने से ही खरीदा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों के बीच ये शेयर करूं। तो दोस्तों बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।